Hello students, how are you? Students, my name is Gadwin Aithik and we are studying your chapter number 1 of class 6, that is knowing our numbers. And in this video we are studying your question number 10 of your exercise number 1.2. So in question number 10 we have medicine is packed in a boxes each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be handled in a van which cannot carry beyond 1800 kg? अब ऐसा कहा गया है कि कुछ medicines जो है वो boxes में हम pack कर रहे हैं. Medicines is packed in a boxes. हम कुछ medicines box के अंदर pack कर रहे हैं. Each weighing 4 kg 500 gram. और सभी का weight क्या है एक box का? 4 kg 500 gram weight वाले है. So हाउ मेनी सच बॉक्सिस कैन बी हैंडल्ड इन अ वैन. ओके, तो ऐसे कितने बॉक्स एक वैन कैरी कर पाएगी विच कैनॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, जो 800 kg के ऊपर तो कैरी नहीं कर पाती, ऐसे कितने बॉक्सेस उसके अंदर आएंगे. तो मान लो कि भाई एक ये बड़ी सी वैन है. ओके, जिसको भाई यहाँ पर एक भाई ड्राइवर PM बना देते, ड्राइवर ने इसे पकड़ा हुआ है. ये हमारी वैन है, ऐसा समझो भाई. ओके, चलो, तो ये एक हमारी वैन है. इस वैन के अंदर हम कुछ बॉक्सेस भर रहे हैं इस तरह से. ओके, हम ऐसे बॉक्सेस इसके अंदर भर रहे हैं. तो इसके अंदर एक बॉक्स के अंदर सिर्फ इतना ही वेट होना चाहिए. कितना? 4 kg 500 gram. तो 4 kg 500 gram वाले इस बड़े से एक बस के अंदर, एक ट्रक के अंदर कितने बॉक्स आएंगे जिसका टोटल वेट ये कितना उठा सकता है? टोटल मिला के सिर्फ 800 kg होना चाहिए. ओके, 800 kg में ऐसे छोटे छोटे 4 kg 500 gram वाले कितने बॉक्सेस आएंगे ये पूछा है. क्या बोला मैंने कि टोटल 800 kg में 4 kg 500 gram वाले कितने बॉक्स आएंगे? ओके, टोटल 800 kg में से छोटे छोटे कितने बॉक्स आएंगे? तो हमने क्या किया कि 800 kg को ऐसे 4 kg 500 gram में डिवाइड कर दिया ना, इस पूरे को डिवाइड कर दिया. तो यहाँ पर भी हम डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के लिए दोनों के यूनिट सेम चाहिए, इसके पहले के एग्जांपल में हमने सीखा. तो चलो दोनों को लिखते हैं, दोनों के यूनिट भी सेम करते हैं. पहले तो बॉक्स का वेट ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का वेट क्या है भाई? एक बॉक्स का है 4 kg 500 gram. ओके, 4 kg 500 gram. अब 1 kg यानी कितना होता है भाई? 1 kg यानी कितने ग्राम? यस, 1000 gram. सभी को पता है 1 kg यानी कि 1000 grams. तो 4 kg यानी 4000 grams. तो लिखो भाई कि 4000 प्लस 500 यानी कि 4500 grams. चलो ये हो गया. अब टोटल वेट भाई कितना कैरी कर सकता है हमारा ट्रक? तो वो है हमारे पास 800 kg. ओके, टोटल वेट 800 kg, उसे कन्वर्ट करना है ग्राम में. 1 kg यानी 1000 ग्राम, तो 800 kg यानी, यस, पीछे 3 जीरो लगा देने हैं, 800 मल्टीप्लाई बाय 1000. ओके, तो 800 के पीछे और 3 जीरोस आएंगे, तो इतने ग्राम्स. ओके, ये मिला 4500 ग्राम्स, ये मिला हमें इतने ग्राम्स, ये जो भी हो भाई. ओके, ये 800000 ग्राम्स है. अब भाई 800000 डिवाइडेड बाई 4500, ऐसा नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे? दोनों में से दो दो जीरो निकाल देंगे. यहाँ पर भी 2 जीरो, यहाँ पर भी 2 जीरो, दोनों को करेंगे डिवाइड. ओके, चलो दोनों को कर देते हैं हम डिवाइड. के 8 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 4500, ये गया. तो अब टोटल क्या बचा हमारे पास? इतना ही बचा भाई कि 8000 डिवाइडेड बाय 45. पीछे के जीरो क्यों लेना भाई? ओके, वो कुछ काम के ही नहीं है. चलो अब ये इरेज कर देता हूँ मैं. आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा और ये समझ में भी आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते थे. ओके, चलो, तो अब
8000 डिवाइडेड बाय 45 करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं कि 8000 डिवाइडेड बाय 45। चलो 45 का टेबल नहीं आता, 40 का टेबल नहीं आता, 4 का टेबल आता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 80, यानी 42 जा 42 जा 80 होगा, 45 2 जा 90 हो जाएगा। तो 45 1 जा 45 चलो यहां पर ऊपर हो जाएगा ये 10, यहां पर हो जाएगा 7, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, 7 में से 4 जाएंगे तो 3, ये बचेगा 0 0। चलो अब 45 के टेबल में 350 तक जाना है, 4 का टेबल वापस बोलेंगे, खास याद रखना 4 का टेबल और 35 तक जाएंगे, 350 तक नहीं जाना है। तब हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 के टेबल में 35, 4 8 जा 32, फिर 4 9 जा 36, तो 36 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 4 8 जा से ट्राई करते हैं। चलो तो 45 8 जा से ट्राई करेंगे, ये सोचना कैसे ना ये बता रहा हूँ। हाँ भाई, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 34 और ये 36। देखो थोड़ा सा भाई ऊपर गया, 45 8 जा 360 हुआ, तो अब 7 जा से ट्राई करेंगे। 45 7 जा, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28 9 10 30, 31, 315। कितना आया? 315। चलो तो हम 7 जा से ही करेंगे, इरेजर से भाई इसे इरेज कर देते हैं। चलो 45 7 315, ये जीरो नीचे उतार लेंगे भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, ये हो जाएगा 4, 4 में से 1 जाएंगे तो 3, 3 में से 3 0, वापस 350 आया। तो 45 7 जा, चलो 45 7 जा 315, भाई ये वापस हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, ये हो जाएगा 4, 4 में से 1 यानी कि 3, 3 में से 3 यानी कि 0, 35 बच गया, वो रिमाइंडर है भाई, उसका कुछ काम नहीं। टोटल बॉक्सेस कितने आएंगे? टोटल बॉक्सेस आएंगे हमारे पास 177। ये जो हमने ट्रक अभी बनाया था, उस बड़े से ट्रक के अंदर हाउ मेनी सच बॉक्स कैन बी लोडेड इन अ वैन? तो हम लिखेंगे कि टोटल 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड, बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन। वैन के अंदर ऐसे 177 बॉक्सेस आएंगे भाई, पीछे रिमाइंडर है उसका तो हमें कुछ काम नहीं है। क्लियर? पहले ये देखना है कि डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, क्या करना है। इसके पहले तक 8 तक एग्जांपल ऐसे थे कि जिसमें मल्टीप्लाई और एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा था, अब यहाँ पर डिवीजन आ रहे हैं। डिवीजन में खास समझना है कि क्यों डिवीजन कर रहे हैं। क्लियर? तो जब हम एग्जांपल स्टार्ट करते तब खास समझना है, वरना डिवीजन तो सबको आता है, कन्वर्जन भी आ जाएगा, पर समझना है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो तो ये था सॉल्यूशन हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का। लेट्स कम ऑन टू अवर नेक्स्ट एग्जांपल।